हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSStudy.in में आपका स्वागत है। जो भी लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी वीडियोज आपको अपलोड किए जाएंगे जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सो कंपटीशन लेवल के जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 से अटेंड किए गए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है सो है, रतौधी किस विटामिन की कमी से होती है। देखते हैं दोस्तों, रतौधी एक बीमारी होता है जिसमें रात में नहीं दिखता है और दिन में दिखता है। ठीक है ना, सो विटामिन ए की कमी से होता है। जिन व्यक्ति को विटामिन ए की कमी होगा उनको रतौधी नामक बीमारी पकड़ लेगा। रतौधी आँख का बीमारी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है सो है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट त्यौहार है सो तमिलनाडु का ये त्यौहार है पोंगल। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है। गिद्दा और भांगड़ा जो है सो पंजाब का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविज़न का आविष्कार जो है जॉन लोगी वेयर्ड ने किए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं हम 17 की। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला सारिका कौन थी। ठीक है ना, तो वो थी राजिया सुल्तान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। मछली जो सांस लेती है सो किसकी सहायता से लेती है। तो मछली में एक गलफड़ा होता है जिसको गिल्स कहते हैं, उसी के द्वारा वो सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है सो आपको है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर के पंजाब में हुआ था, 1919 में हुआ था, यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 21 की। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। ठीक है ना, जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने ये मतलब कांग्रेस को जब छोड़ दिया तो इन्होंने अपनी एक स्थापना की थी दल की, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इन्होंने कर लिया। 22 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 23 है। 23 नंबर क्वेश्चन जो है सो यहाँ पे बताया जा रहा है, साडर्स की हत्या किसने की थी। साडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। ठीक है ना, चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 24 की, 24 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था सो अलग अलग राज्य में अलग अलग लोगों ने उस लड़ाई को लड़ी थी। बिहार से वीर कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ी थी। तो हमको यहाँ पे कहना है कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान देने वाले व्यक्ति हैं मंगल पांडे। ठीक है ना, उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है सो है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। यानी भारत में सबसे पहली बार महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो बनी थी सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, माउंट एवरेस्ट पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। यानी माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊँची चोटी है उस पर दो बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करते हैं तो ब्राह समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। देखिए, ब्राह समाज की स्थापना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक कंपटीशन में एक क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ब्राह समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 है,
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर, ठीक है ना। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 29 की, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? किसने कहा कि वेदों की ओर लौटो? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद 30 नंबर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन 31 की अगर बात की जाए तो 31 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? आप जानते हैं कि भारत का खोज 1498 में वास्को डी गामा ने किया था, जो पुर्तगाल के रहने वाले थे और वे समुद्री मार्ग से भारत आए थे। व्यापार करने के उद्देश्य से इन्होंने वास्को डी गामा जो भारत आए हुए थे 1498 में, ठीक है ना। 32 नंबर क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? अभी हम आपको बताया कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 नंबर क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 34 की, सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? यानी सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। चलिए आगे नंबर बात करते हैं हम लोग 35 की, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिख धर्म के लोगों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो ये बैसाखी है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, तो 36 नंबर क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी लौह पुरुष के नाम से किस महापुरुष को जाना जाता है? तो है सरदार पटेल, यानी इनका पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी नेताजी किनको कहा जाता था? तो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा जाता था। अगला नंबर क्वेश्चन अब बात करते हैं हम लोग 38 की, तो 38 नंबर क्वेश्चन जो है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि कहाँ, समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है विजय घाट, ठीक है। आगे नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, महाभारत के रचयिता कौन है या महाभारत के लेखक कौन है? तो ये सब लोग जानते हैं महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 40 की, तो 40 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? ने अर्थशास्त्र के रचयिता हैं चाणक्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन जो है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आज का चैप्टर काफ़ी आपको लाभप्रद और उपयोगी होगा, ठीक है ना। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, नेक्स्ट फॉर यू दोस्तों।